नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे जो कई महिलाओं के मन में सवाल उठाता है, क्या हम पीरियड्स के दौरान जन्माष्टमी पूजा कर सकते हैं? यह विषय हर साल जन्माष्टमी के समय पर चर्चा का केंद्र बनता है और इसमें कई परंपराओं और मान्यताओं का समावेश होता है। इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों से। परंपरागत दृष्टिकोण। पारंपरिक हिंदू धर्म में पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस प्रथा का मुख्य कारण शारीरिक शुद्धता माना जाता है और इसे कई परिवारों में अब भी माना जाता है। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के समय शरीर को शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए महिलाओं को पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। समाज में भिन्नताएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पीरियड्स के दौरान पूजा को लेकर अलग अलग परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ समाजों में महिलाएं पीरियड्स के दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं करती, जबकि कुछ अन्य समाजों में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में विविधता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आजकल कई महिलाएं इस पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दे रही हैं। आधुनिक समय में यह मान्यता बढ़ रही है कि शुद्धता और पवित्रता का संबंध व्यक्ति के मन और दिल से होता है, न कि उसकी शारीरिक स्थिति से। कुछ धार्मिक गुरु और विद्वान भी इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी आस्था और भावना है, न कि हमारी शारीरिक स्थिति। व्यक्तिगत निर्णय और सलाह। अंत में यह एक व्यक्तिगत निर्णय है कि आप पीरियड्स के दौरान पूजा करना चाहती हैं या नहीं। यह निर्णय आपकी अपनी आस्था, परिवार की परंपराओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों या किसी धार्मिक गुरु से परामर्श करना बेहतर रहेगा। सामान्य प्रश्न। इस खंड में आप दर्शकों से कुछ सामान्य प्रश्न लें और उनके उत्तर दें, जैसे कि क्या पीरियड्स के दौरान कोई विशेष पूजा की जा सकती है, या फिर क्या पीरियड्स के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष। दोस्तों, आज की चर्चा से हमें ये समझ में आया कि पीरियड्स के दौरान पूजा करने का निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत है और यह आपके धार्मिक विश्वासों और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस विषय पर एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।